नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे साउंड कोर बाय एंकर के ट्रू वायरलेस एयरबड्स लिबर्टी 2। तो ये है दोस्तों एयरबड्स, हमने परचेज किए हैं फ्लिपकार्ट से। तो चलिए चेक करते हैं एयरबड्स को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं एयरबड्स। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी और ये ब्लैक कलर में दे रखा है, बट ये आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है साउंड कोर बाय एंकर लिबर्टी 2, ये मॉडल है। टोटल वायरलेस एयरफोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीमियम साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये सिल्वर में कुछ चमक रहा है, ठीक है। इसमें पावर्ड बाय डायमंड इंस्पायर्ड ड्राइवर्स है, जो इसके ड्राइवर्स है, जो स्पीकर है वो डायमंड इंस्पायर्ड है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसमें यहाँ पे क्वालकॉम आपको चिपसेट मिल जाता है। 10 मिनट्स आप चार्ज करोगे तो आपको 2 आवर्स तक का बैकअप मिलेगा और आप कंटिन्यू 8 आवर्स तक इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने फुल चार्ज कर लिया है तो इन ईयरबड्स को। और ये IPX5 की रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये शॉर्ट प्रूफ है। और ये देखिए, ऐसा कुछ इसमें ड्राइवर मिलता है आपको, डायमंड इंस्पायर्ड। यहाँ पे कुछ क्रिस्टल सा दे रखा है, पता नहीं क्या सिस्टम है ये। एंड यहाँ पे देखें तो दोस्तों सेम चीज़ यहाँ मेंशन करी गई है, मोर देन 30 आवर्स आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और आपको डुअल माइक्स मिल जाते हैं अच्छी कॉल क्वालिटी के लिए। यहाँ पे बॉक्स में MRP काफ़ी ज़्यादा दे रखा है 10,000, और ये ब्लैक कलर में है, बट ये हमें स्पेशल ऑफर में मिले हैं फ्लिपकार्ट से। ये देखिए सिर्फ 3,000 में 2999 आप प्राइसिंग देख सकते हो, साउंड को लिबर्टी 2 ट्रू वायरलेस 2999। तो मतलब ये हमें काफ़ी अच्छे ऑफर में मिल गए हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छा ऑफर था। 3,000 में हमें मिल गए हैं 10,000 के ईयरबड्स। वैसे नॉर्मली 5,000 में आप इसे फ्लिपकार्ट से कभी भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए ओपन करते बॉक्स को। तो यहाँ से दोस्तों आप इसे ऐसे ओपन करोगे तो ये देखिए, इसकी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, या आप ऐप स्टोर में भी जा सकते हो आईफोन अगर आप यूज़ करते हो। तो ये है दोस्तों हमारे एयरबड्स। तो दोस्तों पैकेजिंग आप देख सकते हो, एकदम प्रीमियम लेवल की पैकेजिंग है, और पैकेजिंग से ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल की है। तो ओवरऑल मतलब प्राइसिंग से भी आपको पता चल ही गया, 10,000 के एयरबड्स हैं तो ऑब्वियसली एक प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो एक्चुअल एयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट डिज़ाइन है। नॉर्मली जितने भी एयरबड्स आते हैं उनसे तो बिल्कुल ही इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। थोड़ा इनको मैं साइड में रखता हूँ, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों ये एक्चुअली चार्जिंग केस मिल जाता है, इसको भी साइड में रखते हैं अभी। एंड यहाँ पे कुछ स्टिकर दे रखा है गेट स्टार्टेड, और इसके बाद यहाँ पे देखें यही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो आपको एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक आपको स्लीव भी मिल जाती है, और ये काफ़ी सारे सेट ऑफ एयर टिप्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 4 एयर टिप्स है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये ऊपर थोड़े से अलग टाइप के एयर टिप्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे आपको इसमें एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाते हैं। तो चलिए ये सब रख देते हैं थोड़ा साइड में और आते हैं अपने एयरबड्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने चार्जिंग केस की तरफ। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, और ये ग्लॉसी में है ओवरऑल। मतलब ये पूरा का पूरा जो एयरबड का सेट है ये पूरा ग्लॉसी थीम पर है बेस्ड, और देख सकते हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन के लिए यहाँ पे स्लाइड दे रखा है, देखिए यहाँ पे साउंड कोर लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो बना हुआ है, और ये स्लाइड वाला चार्जिंग केस है कुछ। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेशन LEDs मिल जाते हैं, 3 LEDs दे रखे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे एक बटन दे रखा है, ये बटन दोस्तों आप पेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्विचिंग के लिए, जब आपने इसको डिवाइस से कनेक्ट करना है या किसी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आप पेयरिंग के लिए इस बटन का यूज़ कर सकते हो। तो चार्जिंग केस आप अंदर से देख सकते हो, ये लेफ्ट और राइट साइड दे रखी है, इसको रख देते हैं अभी साइड में। तो आपको क्लोजअप दिखाऊँ थोड़ा सा एयरबड्स का। तो ये है दोस्तों लेफ्ट साइड का, यहाँ पर आप ये देख सकते हो रबर वाले एयर टिप्स है, यहाँ पर इस साइड का भी है कुछ है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे साउंड को लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक बटन दे रखा है। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एकदम मस्त बिल्ड क्वालिटी देखने को आपको मिलती है इसमें। ये है राइट साइड का,
तो चलिए दोस्तों इनको फ़ोन से पेयर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसी इनकी साउंड क्वालिटी वगैरह है और क्या फीचर इसमें आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इन्हें फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको दोनों एयरबड्स को पहले दोबारा चार्जिंग केस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं राइट वाला, जैसे यहाँ पे राइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे राइट वाला रखना है, ये देखिए। और इस साइड रखना है अपने लेफ्ट वाला। और ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रांग है, देख सकते हो आप ऐसे नहीं निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से चिपक गए हैं। एंड देन दोस्तों अभी आपने यहाँ पे ब्लूटूथ में सर्च करना है। और दोस्तों आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, ये जो बैक साइड बटन है पेयरिंग वाला, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए अभी LED इंडिकेशन आ गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ब्लूटूथ में भी शो कर रहा है ये साउंड को Liberty 2। तो जस्ट आपने इसको टच करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो देखिए अभी ये एयरबड्स हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है। एंड दोस्तों जैसे ही आप इस चार्जिंग केस को ऐसे ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। देखिए अभी हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुके हैं ये। और जैसे ही आप इस चार्जिंग केस को यहाँ पे बंद करते हो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब चार्जिंग केस ओपन करते ही ये कनेक्ट हो जा रहे हैं, काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जा रहे हैं फ़ोन से। तो दोस्तों इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है, इसमें आपको चिपसेट मिलता है क्वालकॉम APTX। तो इसमें आपको दोस्तों ये एक चीज़ मिलती है हेयर ID पर्सनलाइज साउंड। तो आप इन एयरबड्स को एप्लीकेशन के थ्रू अपने हिसाब से पर्सनलाइज सेट कर सकते हो। ये ऐप हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया था ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड में भी, और ये एप्पल में भी मिल जाती है। तो चलिए ये ऐप इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसी सेटिंग वगैरह आप कर सकते हो इन एयरबड्स की। तो दोस्तों ये है ऐप साउंड को, तो यहाँ पे ओपन करें आपको। तो आपको पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, आपने अपना अकाउंट को इसमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहले दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आपने माई डिवाइस पे जाके अपना डिवाइस वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे इनके काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे इनके एयरबड्स हैं। तो हमारे पास है Liberty सीरीज़, यहाँ पे आपने Liberty सीरीज़ सेलेक्ट कर लेना है। एंड हमारे पास है दोस्तों Liberty 2, तो यहाँ पे आपने Liberty 2 एयरबड सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपने अपना ये जो चार्जिंग केस है इसको ओपन करना है ऐसे। तो देखिए अभी ये हमारे स्मार्टफोन में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एयरबड्स की अपडेट आ रखी है, अपडेट फर्मवेयर के लिए कह रहा है ये। तो अभी हमने इन्हें अपडेट करना है, तो यहाँ पे अभी हम इन्हें अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपडेट है 1.16 MB की, क्योंकि वैसे आपको बताऊँ तो एयरबड्स में अपडेट वगैरह होती नहीं है, ये प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, इस वजह से इसमें अपडेट भी हो रही है। 3000 में आपको ऐसे कोई एयरबड्स नहीं मिलेंगे जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता हो। तो यहाँ पे अभी हम ये अपडेट डाउनलोड कर लेते हैं, ये देखिए। तो इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड दोस्तों फर्स्ट ऐसे एयरबड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जिनकी सॉफ्टवेयर अपडेट आई है, मतलब अपडेट वाले एयरबड्स मेरे पास कोई नहीं है इससे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों अपडेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ्ट वाला है एंड ये राइट वाला है। यहाँ से दोस्तों आप ऐप के थ्रू इन एयरबड्स का इक्वलाइज़र सेट कर सकते हो, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा भी आपने रखना है इक्वलाइज़र। एंड यहाँ पे दोस्तों आप इसको काफ़ी हद तक यहाँ पे देखिए तो ये सब जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं उनके इक्वली कैसा यहाँ पे इक्वलाइज़र सेट होना चाहिए आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे म्यूजिशियंस दे रखे हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों डिफ़ॉल्ट जो है वो रहेगा सेटिंग। एंड यहाँ से दोस्तों ये है हेयर ID जो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। तो यहाँ से दोस्तों हर एक मतलब कि यूज़र की अपनी एक सुनने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एयरबड्स लगाने हैं और फिर आपने इसको टेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से एयरबड्स को आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो यहाँ पे ऐप में आ रहे हैं। और आपको एक साइलेंट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या हेयर ID टेस्ट करने के लिए। और इसके बाद दोस्तों आपको ये दोनों एयरबड्स एक एक करके कानों में लगाने हैं और ये टेस्ट में जो भी स्टेप्स आ रहे हैं ये फॉलो करने हैं। तो आपके सुनने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये एयरबड्स आपको साउंड आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है और काफ़ी अच्छा फीचर मुझे ये लगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जो हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप इन एयरबड्स को सेट कर सकते हो। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों को जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट वाला है वो लाइट ब्लू कलर में है, जबकि राइट वाला जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप
तो बेस आप इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ये पर्सनलाइज सेटिंग है, आप इसे अनेबल कर सकते हो या डिसेबल भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप दोबारा टेस्ट भी कर सकते हो इसको, तो यहाँ से बैक जा सकते हो आप। तो ये इसकी एक ऐप है जो, एंड दोस्तों कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें आप कंट्रोल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे डबल टैप में यहाँ पे आपने कौन सी कमांड रखनी है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, वॉइस असिस्टेंट को रखना है या नेक्स्ट या प्रीवियस करना है, तो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। या होल्ड करने पर क्या होना चाहिए, 1 सेकंड में होल्ड करने के लिए देखिए आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट को रख सकते हो या वॉल्यूम कम ज़्यादा या नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हो। तो इसमें आप जो कमांड्स हैं, जो कंट्रोल्स है, वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसमें आपको टच कंट्रोल नहीं मिलता, बटन कंट्रोल मिलता है और वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, चलिए चेक करते हैं। इनमें आपको बटन मिलता है, यहाँ पे फिज़िकल बटन है आप देख सकते हो ऊपर। तो इनके साथ आपको दोस्तों काफ़ी सारी कमांड्स भी मिलती है, बट ये आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंगल टैप करोगे किसी को भी तो आप यहाँ पे म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप। और सेम वे से अगर कॉल आ रही है तो आप कॉल को रिसीव कर सकते हो या कॉल को काट भी सकते हो। एंड डबल टैप अगर आप करते हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो राइट वाले से, एंड लेफ्ट वाले से प्रीवियस कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ आप कस्टमाइज़ करके चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही कमांड्स रखनी है। एंड दोस्तों अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड रखोगे किसी को भी तो यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हो या सीरी को भी एक्टिवेट कर सकते हो अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो। ये देखिए ऐसे गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए होल्ड रखोगे तो यहाँ पे आप एयरबड्स को स्विच ऑफ भी कर सकते हो, एंड दोबारा से अगर आप 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करोगे तो आप इन्हें स्विच ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन एलईडी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे वाइट कलर का एलईडी इसमें दिया गया है जो कि कभी कभी ब्लिंक करता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ वाइट कलर के एलईडी लाइट्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि पेयरिंग के टाइम मोस्टली ग्लो करते हैं। ये देखिए वाइट कलर के एलईडी इसमें आपको मिलते हैं। और चलिए आपको पहन के दिखाता हूँ कानों में वेयर करने के बाद कैसे ये ईयरबड्स आपको दिखेंगे। तो देखिए दोनों पहन लिए मैंने, ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा जब आप इन ईयरबड्स को कानों में वेयर करोगे। काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट इनका साइज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कानों से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, ये चीज़ थोड़ी मुझे नहीं पसंद आई। तो दोस्तों ये है लिबर्टी 2 वायरलेस ईयरबड्स। कानों में फ़िटिंग की बात करूँ तो कानों में इनकी फ़िटिंग कंफर्टेबल तो है, बट ये साइज़ में थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, इस वजह से हाफ़ एन आवर यूज़ करने के बाद मेरे कानों में पेन होने लग गया था। तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगते, मतलब ज़्यादा देर तक आप इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर पाओगे। बट हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम मुझे ही आ रहा है, हो सकता है आपको ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो कानों में फ़िटिंग को लेके मुझे थोड़ा सा इशू लगा, बाकी इसके अलावा इन ईयरबड्स में कोई भी इशू नहीं लगा मुझे। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है इनकी। बेस, ट्रिबल और वोकल्स काफ़ी परफेक्टली ट्यून किए हुए हैं और आउटस्टैंडिंग साउंड क्वालिटी आपको इन ईयरबड्स से मिलेगी। मैं 5 out of 5 stars दूंगा इनको साउंड क्वालिटी के मामले में। और अगर बात करी जाए बैटरी बैकअप की तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है इन ईयरबड्स का, काफ़ी अच्छा बैकअप आपको मिलेगा। मतलब जैसे कि फुल चार्ज करने पर चार्जिंग केस के साथ आपको मोर देन 30 hours आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन तो आपके सामने ही है, आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन इनमें आपको मिलता है। और कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें आपको डुअल माइक्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर आगे दे रखा है और एक यहाँ पर भी साइड में है। तो डुअल माइक्स की वजह से जो नॉइस कैंसिलेशन है काफ़ी अच्छे से काम करता है, कॉल क्वालिटी एक्सीलेंट है इनकी। और बात करूं अगर आपको इसमें गेमिंग की तो गेमिंग मैं इतनी करता नहीं हूं, बट इसमें थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलती है, बट मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि गेम वगैरह मैं इतनी खेलता नहीं हूं, बट आपको डिले मिलेगा गेमिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो देख के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ईयरबड्स आपको परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, सी यू सून।